आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सहाचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम समास पढ़ रहे हैं, तो समास में हमने पहले तो यह समझने की कोशिश की कि समास कैसे होता है, और उसके लिए आप लोगों को सु ओजस आदि बनाकर दिया गया था सुप्रत्यय, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबने याद कर लिया होगा उसको। सु ओजस अमोट सष्टाभ्याम भिषगे भ्याम व्यसगसी भ्याम व्यसगस ओस आमगी ओ सुप सुप, इसको आपने याद कर लिया होगा 21 प्रत्ययों को, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और उसके बाद आपको बताया गया था कि कैसे समास होता है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि पहले इसमें वह समास को समझना, अलग अलग सूत्रों के नाम दिए उनके आधार पर, यानी वे सूत्र हैं और उनके आधार पर उनकी व्याख्या होगी और उनका उदाहरण होगा, ऐसा उसमें दिया हुआ है सिलेबस में। लेकिन जो विशेष बात यह कही गई है कि समास का अर्थ समझना है, समास का अर्थ समझना है और समास का विग्रह समझना है। तो समास का अर्थ क्या हुआ? यदि इसका तात्पर्य यह है कि समास क्या होता है, तो हम पहले आज इसी को समझते हैं समास क्या होता है। अन्यथा जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका अर्थ यह हुआ कि एक समास आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए भूतपूर्व, तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है वह होगा क्या, पूर्वम भूता, जो पहले हुआ, और विग्रह हो जाएगा पूर्व अम प्लस भूत सु, ऐसे अलौकिक विग्रह हो जाएगा उसका। तो पहले हम इसको समझते हैं कि समास है क्या। तो समास है, पहले भी आपको बताया गया, दो सुबंतों का, जिसमें सु और जस आदि लगे हुए हैं, जैसे राम है, राम में सु लगा के रामा बनता है। तो रामा हो, सीता हो, गौ हो, नावा हो, नव हो, कुछ भी हो, ये सब कोई भी शब्द हो, ये पद हो, ये कब कैसे बनते हैं, जब इसमें सुप प्रत्यय आते हैं, यानी सु औ जस अम औट सष्टाभ्याम भिषगे भ्याम व्यस गसी भ्याम व्यस गस ओस आमगी ओ सुप, या संबोधन का ले लें जो प्रथमा जैसा ही होता है, तो सु ओ जस, इतने जो 21 प्रत्यय हैं ये लगते हैं तभी कोई सुबंत बनता है, पद बनता है। और पद का पद के साथ समास होता है, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, यह नहीं है कि किसी का किसी के साथ समास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और फिर क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपको यह बताया गया कि सबसे बढ़िया उदाहरण तो इसका यही है, राजा का बेटा, राजपुत्र, तो इसमें क्या कहा कि इसमें या तो हम कहें राज्य पुत्र, राजा का पुत्र, या हम कहें राजपुत्र, दो ही बातें कह सकते हैं, राज्य पुत्र राजा का पुत्र, या राजपुत्र वह भी राजा का ही पुत्र हुआ, तो राज्य पुत्र जो है उससे राजपुत्र अलग है, साफ साफ देखने में आ रहा है। तो ये राजपुत्र जो है वह राज्य जो षष्ठी एक वचन है उसमें राजन में गस प्रत्यय लगा है, आपने षष्ठी याद किया होगा तो गस ओस आम होता है, तो राजन में गस लगा है तो राज्य बना है, तो राजन और क्या कहते हैं पुत्र, पुत्र सु, राजन गस पुत्र सु, तो राज राजन का न निकल के फिर वो राज बच जाता है और उधर पुत्र तो मिल जाता है राजपुत्र, तो बीच का जो गस है और राजन पुत्र का जो सु है इन दोनों का लोप हो जाता है और राजपुत्र बनता है। तो ये जो अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं उसी को समास कहते हैं। जब समास बन जाता है, राजपुत्र हो गया, तो इस समास को पुनः पद बनाते हैं। और यदि आपको कर्ता का पहला सूत्र याद है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिक का अर्थ जानने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति आती है, तो फिर से उसमें सु लगाते हैं और
राजपुत्र रूप बनाते हैं। सू लगाकर राजपुत्र रूप बनाते हैं। इस तरह से समास होता है। इसका उदाहरण मैंने ये जो लिखा है वो आपको भेजूंगा अभी, वह है भूतपूर्व। यहाँ दो पद हैं, क्या पूर्वम भू, पहला पद है पूर्वम पहले और दूसरा पद है भूतः, हो गया पूर्वम भूतः। तो पूर्वम में द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है का मतलब क्या हुआ, अम है, अम औटसस, ये द्वितीया विभक्ति है। अम औटसस, एक वचन में अम प्रत्यय होता है, द्विवचन में औट प्रत्यय होता है और बहुवचन में शस प्रत्यय होता है, ये तो आपने जाना ही है। तो पूर्व अम, पूर्व के साथ अम प्रत्यय और भूत के साथ सु प्रत्यय, भूतः जो है वह प्रथमा एक वचन में, तो उसमें प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है, सु। पूर्वम, पूर्व अम प्लस भूत सु। अब इनका समास होता है सहसुपासूत्र, इनका समास क्या होता है, सहसुपासूत्र। तो भूत का सहसुपा सूत्र से समास होता है, किसका, पूर्व और अम का, पूर्व और पूर्व अम और प्लस भूत सु का। और जब समास होता है तो यही कहा गया कि वो अपनी विभक्ति को छोड़ देते हैं, तब पूर्व अपनी विभक्ति अम को छोड़ देता है और भूत अपनी विभक्ति सु को छोड़ देता है, क्या हो गया, पूर्व प्लस भूत, पूर्व प्लस भूत। और भूत अब क्या होगा, पूर्व प्लस भूत और भूत का पूर्व निपात हो जाता, उपसर्जनम पूर्वम कहा गया उसको, तो यहाँ उससे नहीं होगा, सीधा भूतपूर्व चरट एक है सूत्र, उससे भूत का पूर्व निपात होता है। आप ये मान लीजिए कि भूत पहले आ जाता है, तो भूत जब पहले आ गया, भूतपूर्व चरट पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, तो उन्होंने खुद ने भूतपूर्व लिखा है, तो इससे यह पता चलता है कि शब्द क्या है, पूर्व भूत नहीं होके भूतपूर्व है, तो यानी भूत पहले आ जाता है, तो और पूर्व बाद में, तो भूत प्लस पूर्व बराबर भूतपूर्व हो गया, और भूतपूर्व होने से क्या हुआ कि भूतपूर्व रूप बन गया। अब ये भूतपूर्व जो बना है ये प्रातिपदिक हो गया फिर से, यानी अब इसको फिर से पद बनाना पड़ेगा, और पद बनाने पर क्या होगा, पद बनाने पर क्या होगा, पद बनाने के लिए क्या करेंगे,